इस समय एडमिशन को लेकर सभी जगह मारामारी का माहौल है। कॉलेजों में कुलपति के खिलाफ भी आक्रोश बढ़ रहा है, जिसको लेकर आज कानपुर के ऐतिहासिक डीएवी कॉलेज की सीट कुलपति द्वारा ना बढ़ाए जाने को लेकर वहां के छात्रों में काफी आक्रोश दिखा, जिसके चलते वहां के छात्रों ने उनका पुतला भी फूका। वहीं रोड जाम करके गाड़ियों पर चढ़ गए और जमकर अराजकता की। पुतला फूंक रहे छात्र नेता हेमंत यादव ने बताया कि यह डीएवी कॉलेज ऐतिहासिक कॉलेज है। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पढ़ाई की गई है और शिखर पर पहुंचे। अब यहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं। 700 सीट बढ़ाने की बात की गई थी, जिसकी बजाय सिर्फ 200 ही सीट बढ़ाई गई है, जिससे छात्रों को अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। आज उनका पुतला फूंक कर वे लोग अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि सीटें नहीं बढ़ाई गई तो छात्रों का ये आंदोलन और भी उग्र हो जाएगा। छात्र आत्मदाह करने तक से नहीं चुकेंगे। छात्रों का कहना है कि उन्हें शिक्षा के लिए सीट मिलना बेहद जरूरी है, ये उनके भविष्य का सवाल है। हेमंत यादव, आज कानपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के सभी पदाधिकारी, महामंत्री, अध्यक्ष एवं सभी वरिष्ठ छात्र नेता इकट्ठा हुए हैं। अभी सीट वृद्धि को लेकर के जो आंदोलन हो रहा था, उसमें सभी छात्र नेताओं पे मुकदमे लगा दिए गए। 7 CLA बलवा, इस प्रकार की संगीन धाराएं, छात्र कोई अपराधी नहीं है। कुल 4 लोग नामजद हैं, 20 लोग अज्ञात में। एक तो सीट वृद्धि नहीं की, अगर उसके लिए हमने कोई आवाज़ उठाई तो लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। छात्र राजनीतियों को जंजीरों में जकड़ के उनको मुकदमे की सूली चढ़ाया जा रहा है। इसका विरोध आज कानपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ कर रहा है। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने सांकेतिक धरना दिया है प्रशासन के विरुद्ध कि सर्वप्रथम तो पहले मुकदमे वापस हो। यदि मांगे पूरी नहीं तो क्या करते हैं? मांगे आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, जिसे आप देख रहे हैं जारी है, ऐसे ही जारी रहेगा। मुकदमे वापस होने चाहिए। मैं मीडियम के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि मुकदमे वापस ले प्रशासन और सीट वृद्धि करे। कानपुर से ये थी सुनील वर्मा की रिपोर्ट।